हेलो वीवर्स, लर्निंग स्कूल में खुश आमदी। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपको नया लोगो सिखाएंगे। तो मैंने इलस्ट्रेटर कोल रखा है और इसमें हम इस तरह की स्केच बनाएंगे। ये एक टेक्नोलॉजी के लिए हम बनाएंगे टेक्नोलॉजी कंपनी की लोगो। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसकी हम ये स्ट्रोक इंक्रीज करेंगे और इसकी फिल हम नन करेंगे। सो ये हमारा लाइन, इसकी हम कॉफ़ी लेंगे आल फ्रेश करके। हम इसकी कॉफ़ी ले सकते हैं, इसको यहाँ फिर रखेंगे इस तरह। इसके बाद ये थोड़ा आगे लेके जाएंगे। इसके बाद यहाँ से दूसरी कॉफ़ी लेंगे, इसको इस तरह थोड़ा रोटेट करेंगे इस शक्ल में। इसकी साइज़ हम कम करेंगे इस तरह। ये साइज़ कम हो गया। इसको ड्रैग करके इधर लाएंगे, इस तरह एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से एक एलिप्स टूल लेके एक सर्कल ड्रा करेंगे। ये सर्कल ज़्यादा मरतबा हम यूज़ करेंगे, तो इसकी भी हम एक मेन कॉफ़ी रखेंगे और हमें इसकी ज़रूरत फिर पड़ेगी। इसकी फिल हम स्ट्रोगनन करेंगे और फिल में ब्लैक करेंगे। यहाँ से इसकी कॉफ़ी लेंगे इस तरह, साइज़ भी एडजस्ट करेंगे और ये इधर आएगा। ये तो बहुत छोटा हो गया, इसकी साइज़ मज़ीद इंक्रीज करेंगे। यह इस तरह, ये अभी भी बड़ा है, एडजस्टमेंट करेंगे इसकी हम। फिर इसकी एक काफ़ी हम आल्ट की मदद से लेंगे, ये दूसरी काफ़ी बन गई। इसकी साइड एडजस्ट करेंगे, थोड़ा जूम करके अच्छा एडजस्टमेंट होता है, तो हम पहले जूम करेंगे। इसके बाद इसको पकड़ कर हम इस तरह इसकी एडजस्टमेंट करेंगे, बस इस तरह काफ़ी है। ये भी डिलीट करके हम इधर इससे कॉफ़ी लेंगे ताकि तमाम की साइजेस एक जैसी बन जाए। तो ये मैंने कॉफ़ी ले ली इस तरह, इसको सेलेक्ट करके थोड़ा मूव देंगे। इसके बाद इन तीनों लाइंस को सेलेक्ट करके हम एक्स्ट्रा जो लाइन है वो डिलीट करेंगे। तो एक तरीका, इसकी हम एक कॉफ़ी साथ में छोड़ते हैं, अगर हमें आइंदा वर्क में ज़रूरत पड़ी तो यूज़ करेंगे। बीन सब को सेलेक्ट करके फेस बिल्डर, शेप बिल्डर सॉरी टूल्स पकड़ कर इधर से हम माइनस करेंगे, इसको भी माइनस देंगे। इसके बाद इन दो लाइंस को एडजस्ट करेंगे थोड़ा। नहीं, ये इस तरह ठीक नहीं है, ये तो बढ़ गई इसकी साइज। हम इसको आल्ट जी की मदद से, सॉरी कंट्रोल जी की मदद से अंडू करते हैं। इसके बाद इसको जॉइन करेंगे इसकी इस तरह भी हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि अगर ये उधर जॉइंट टूल से सही नहीं होता तो इसको जूम करके आहिस्ता आहिस्ता इसकी एडजस्टमेंट करेंगे, ताकि कोई लाइन एक दूसरे से आगे न बढ़े और इसमें दिखाई में कोई मुश्किल ना हो।
इसके एक और कफ़ी ली मैंने, वो थोड़ा रोटेट किया, ज़रा शिफ्ट की मदद से हम सीधा लाइन कर सकते, इसको भी इधर रख दिया। इसके बाद इसकी साइज़ मज़ीद छोटी रखेंगे, इसको ए लाइन रखेंगे इधर, ताकि नीचे वाले स्ट्रेट लाइन के साथ ये लाइन हो। इधर से हम अभी जूम करके चेक कर दें, ये भी ए लाइन नहीं, इसको बिल्कुल सीधा ए लाइन में रखेंगे। अभी ये चेक कर ले, अभी भी ए लाइन नहीं, इसको इस तरह, वो बहुत आगे चला गया, थोड़ा सा फ़र्क है। ये हेयर आपको प्रैक्टिस जब भी रखेंगे तो फिर इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं बनेगी आपको। सबको ग्रुप करके इसको ये लाइन ऑप्शन से चेक करते हैं, इधर भी ये काम नहीं कर रहा है। तो अभी इसके साथ हम ये करेंगे कि दोबारा अनग्रुप करेंगे, इसको चेक करके अभी ये अलाइन हो गया, सही है। ये भी देखें आप, दो लाइन्स को मैंने सेलेक्ट करके अलाइन ऑप्शन क्लिक की तो वो अलाइन में आ गए। तो ये हमारा तकरीबन 20% काम हो गया। अभी आगे इसकी मज़ीद हम शाहें निकालेंगे। ये एक ट्री किस्म की है, टेक्नोलॉजी ट्री, इस तरह। तो जो हमने हम अपने साथ कॉफीज़ वग़ैरह रखी थी उसकी मदद से हम आगे बढ़ेंगे। ये इधर रखेंगे, जूम करके इसकी सेटिंग अच्छी तरह अलाइन करेंगे। इसकी ये काफ़ी मज़ीद रखेंगे, शायद हमें इसकी ज़रूरत फिर आ जाए। सॉरी इस तरह नहीं, यहाँ से पकड़ कर सिर्फ लाइन अलाइन करें, इसकी साइज़ छोटी करेंगे, दोनों को पकड़ कर मूव करेंगे इस साइड पे। तो ये इसके साथ अभी टच हो गई, इसको भी अच्छी तरह से अलाइन करते हैं। इसको थोड़ा नीचे कर ले तो ये अलाइन में खुद बहुत आ जाएगी, इस तरह ये बन गई अलाइन। अच्छा, इसके बाद इसकी मज़ीद शाहें ड्रा करेंगे। तो इसके लिए हम इसको पहले ग्रुप कर ले और यहाँ से रिफ्लेक्ट की टूल पे क्लिक करके इधर आर्ट की मदद से फ्रेश कर ले और इधर से फ्रीव्यू ऑन करके चेक करते हैं। इसकी काफ़ी लेंगे इधर से, तो ये देखिए इसकी एक और काफ़ी बन गई। यहाँ से ये लाइन इसको सीधा करके दरमियान में लाएंगे, इस तरह ये सीधा हो गई। शिफ्ट प्रेस करके कीबोर्ड से ये लाइन सीधी रख सकते हैं हम। इधर आके इसकी लंबाई हम मज़ीद लंबा करेंगे, जिस तरह हमारे सामने पिक्चर में है। सर्कल इधर ला के आएंगे, इसके बाद इसकी मज़ीद शाहें निकालेंगे।
इधर लेके आएंगे, इधर पकड़ कर ये इस तरफ लेके आएंगे, इसको अनग्रुप में कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें ये छोटी लाइन चाहिए, इसलिए मैंने इसको अनग्रुप करके इधर से एक कॉफ़ी ले ली। ये देखिए मैंने कॉफ़ी ली, इसको वापस में ग्रुप करेंगे, यहाँ से ये इस इधर अटैच में अपने साथ रख देंगे मज़ीद कॉफ़ी, और ये इधर अटैच हो जाएगी। इसकी एडजस्टमेंट करेंगे, पहले इसको जूम कर लें ताकि हमें अच्छी तरह दिखाई दे, इस तरह जूम हो गया। इसके बाद ये इस तरफ कर ले, ये लाइन हो जाएगी और ये इधर लेके आएंगे इस तरह। अभी इसको सेलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल की मदद से माइनस फ्रेश आल फ्रेश करके ये माइनस हो जाएगी इधर से ये, क्योंकि ये इंटरसेक्ट में, तो ये नहीं होगी क्योंकि इसकी दोनों सिरे हैं इंटरसेक्ट में लेकिन तीसरा नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कर सकते। फेस में शेप बिल्डर टूल की मदद से तो इसके लिए हम ये दोनों को जॉइन ऑप्शन की मदद से जॉइन में ले कर, इधर मैंने सर्कल भी ड्रा की, उसके बाद दोनों को सेलेक्ट करके ये ग्रुप में आ जाएगी। इसके बाद जूम करेंगे, इसकी अलाइनमेंट करेंगे, इसकी मज़ीद कॉफ़ी लेंगे आर्ट की मदद से, मेनू फॉर ड्रैग की सर्कल भी इधर कॉफ़ी कर लेंगे, लेकिन ये थोड़ा साइज में कम होगा, मज़ीद इसको शाहे बनाए और रोटेट कर ले इस तरह, इधर लगाएंगे ये। इधर भी आ जाएगी, सर्कल इधर लेके आएंगे और ये मुझे अभी भी बड़ी लग रही है, ये इसकी ये शाखें ब्रांचेस, तो ये हम मज़ीद छोटे कर लेंगे इधर से, ये डिलीट करके ऊपर से कॉपी लेते हैं इसकी, ये कॉपी में बन गए इधर इस तरह। जूम आउट करेंगे भी, अभी थोड़ा काम बाकी रहता है इधर, ऊपर लगेंगे ये भी ऊपर चली जाएगी, ये साइड पे करेंगे इसको, इसकी हम सेलेक्ट करेंगे तमाम, इसके इधर हम कॉफ़ी कर लेंगे, ये ग्रुप बन गया। इधर से रिफ्लेक्ट टूल पकड़ के इधर आल्ट की मदद से फ्रेश करके इसकी हम मज़ीद कॉफ़ी लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, ये अपीयर हो जाए इस तरह। इधर वापस सर्कल लेके आएंगे, इधर मज़ीद शाही निकालेंगे, ये एडजस्टमेंट करेंगे इसके, ये साइज कम करेंगे और इसको ये मीटअप हो जाएगी इधर भी,
इस तरह ये एडजस्ट हो गई। इसके बाद ज़ूम कर लेंगे, ये देखिए ये सही से नहीं मिली, इस तरह इसको हम ज्वाइन करेंगे ताकि अच्छी तरह ज्वाइन हो जाए। इस तरह ये ज्वाइन हो गई अभी, तो हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं इस ये ग्रुप हो गई। इसकी मज़ीद शाख इसको अनग्रुप कर ले ताकि ये शाख हम नीचे भी ले सके आ जाए। यहाँ ये सेलेक्ट करके इसकी कॉफ़ी लेंगे, इधर एडिट में जाके कॉफ़ी आवर फेस्ट इन फ्रंट, ये कॉफ़ी बन गई। इधर में इसको ड्रैग करके नीचे लेता हुआ भी कीबोर्ड की मदद से ये नीचे आ गई, नीचे एरो फ्रेस करके ये भी ख़त्म कर लेंगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं रही। तो ये तो एक ट्री किस्म की हमारे पास कंप्लीट हो गई। अभी ये थोड़ा सा डिज़ाइन मज़ीद ड्रा करेंगे फिल टूल की मदद से, स्ट्रोक कर ले और फिल नन कर ले, ये इस तरह गई। अभी इसकी एडजस्टमेंट करते हैं तो देखिए इस मदद की सही है, ये एडजस्ट हो रही है। ये भी एडजस्ट हो गई, अभी इसको हम फिल देंगे, ट्रेक करके ऊपर लेंगे और फिर करेंगे और स्ट्रोक नन रखेंगे। अभी इसकी कलर चेंज करके ये सेलेक्ट हो जाएगी और कलर चेंज हो गई। अभी लास्ट में हम कर टेक्स्ट ड्रॉ करेंगे, इसके बाद हमारे पास सिर्फ टेक्स्ट बाकी रह गई। ये लेंगे इधर, हम नाम लिखेंगे लोगो नेम, तो आसपा टेक्नोलॉजी या आसपा नेट यह हमारा नेम है लोगों के लिए। इसकी हम इस तरह फॉन्ट चेंज करेंगे, स्क्रीन पे आपको ऊपर नज़र दिखाया जाता है कि कौन सी ये फॉन्ट है। इसकी थोड़ी साइज कम करेंगे, ये स्लोगन है न्यू ड्रीम, इसको दोनों को एडजस्ट करेंगे इस तरह। अभी दोनों को सेलेक्ट कर ले इधर अलाइन की मदद से, अलाइन कर ले अलाइन लेफ्ट अलाइन राइट सॉरी, और फिर इनको भी अलाइन में करते हैं भी। ये हम अभी डिलीट करेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। इन दोनों को सेलेक्ट करके मिडल में अलाइन करते हैं, सॉरी ये थोड़ा ऊपर करेंगे ताकि ये टच ना करे टेक्स्ट को, तो ये ऊपर में चली गई। इसको ग्रुप करेंगे अभी, तो ये ग्रुप बन गई। इसमें भी इसके बाद हम एक ट्राइंगल ड्रा करके उसको फिल करेंगे अभी, इधर ट्राइंगल टूल की मदद से मैंने ट्राइंगल ड्रा की आर्टबोर्ड के बराबर, और इसके ऊपर हम ये अपना लोगो ले करेंगे। लेकिन ये अभी बैकवर्ड में है तो अभी
सॉरी ये भी ब्लैक है वो भी ब्लैक था, तो अभी इसको मैं वाइट में कन्वर्ट करता हूँ। सबसे पहले ट्री को इसके बाद टेक्स्ट को भी ये ग्रुप में आ जाएगी, इसके बाद टेक्स्ट को भी वाइट करेंगे और स्ट्रोक नन करेंगे इस तरह। दोनों को दोबारा ग्रुप करके इधर ड्रे करेंगे आर्ट बोर्ड के ऊपर जिधर हमने ट्राइंगल सॉरी रेक्टेंगल ड्रा किया है। अभी इसको मैंने इसकी साइज एडजस्ट करेंगे इस तरह। तो ये आपकी लोगो थी जो हमें रिक्वायर्ड थी, उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपने है इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बिल आइकॉन भी प्रेस करें, बहुत शुक्रिया। अभी मैं इसको सेव करके आपको दिखा, तो ये हमारा फाइनल लोगो है। ओके, शुक्रिया।